हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो स्टूडेंट्स, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ सेवेंथ क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 5, वाटर। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओशन सर्कुलेशन। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर। समुद्र के किनारे बेयर फीट वॉक करना बहुत मैजिकल लगता है। वहां पर वेट सैंड होती है, बीचेस के ऊपर रेत होती है, ठंडी हवा चलती है, सी बर्ड्स आपको देखने को मिलेगी, स्मेल ऑफ द सॉल्ट, सॉल्ट की स्मेल होती है हवा में, एंड म्यूजिक ऑफ द वेव्स, और वेव्स का, समुद्री लहरों का म्यूजिक सुनाई देता है। एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग। ये सभी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, बहुत फैसिनेट करती है। अनलाइक द काम वाटर्स ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, अभी ऐसा एक्सपीरियंस आपको पॉन्ड्स और लेक्स के आसपास नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ का वाटर काम होता है, स्टैग्नेंट होता है। ओशन वाटर कीप्स मूविंग कॉन्टिन्यूसली, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट ओशन का वाटर हमेशा मूव करता रहता है। इट इज नेवर स्टिल, वो कभी भी स्टिल नहीं होता, एक जगह रुका नहीं रहता। द मूवमेंट दैट अकर्स इन ओशंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज, अब किस टाइप की मूवमेंट होती है ओशन के वाटर में, उसको बेसिकली तीन टाइप की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। अभी वन बाय वन इनको हम डिटेल में रीड करेंगे। एक फैक्ट गिवन है, March 22nd इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे हम मनाते हैं 22nd ऑफ मार्च को। वेन द नीड टू कंजर्व वाटर इज रीइंफोर्स्ड इन डिफरेंट वेज, जब लोगों को अलग अलग तरीकों से बताते हैं कि क्यों वाटर को कंजर्व करना इंपॉर्टेंट है। एक पिक्चर गिवन है पैसिफिक ओशन की। नाउ फर्स्ट मूवमेंट इज वेव्स। व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो बॉल ऑन द बीच, अगर आप बीच के ऊपर थ्रो बॉल खेल रहे हैं और आपकी बॉल पानी में गिर जाती है, देन व्हाट हैपेंस, तो क्या होता है, इट इज फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वॉश्ड बैक टू द शोर बाय द वेव्स। तो आप देखेंगे वेव्स के साथ, लहरों के साथ बॉल वापस शोर पर आ जाएगी। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternatively, they are called waves. Definition है waves की, waves क्या है? जब ocean का water alternatively rise होता है, ऊपर उठता है, fall, नीचे गिरता है, इन्हें हम कहते हैं waves. आपने देखा होगा समुद्र के पास, शोर के पास पानी आता है समुद्र का और फिर वापस जाता है, वो waves की वजह से ही है। क्या आप जानते हैं waves are formed when winds scrape across the ocean surface. The stronger the wind blows, the bigger the wave becomes. तो वेव बनती कैसी है, जब हवा अपने साथ समुद्र के पानी को ऊपर उठाती है, नीचे गिराती है, और जितनी स्ट्रॉन्गर विंड होगी उतनी ही बड़ी वेव्स बनेंगी। ड्यूरिंग द स्ट्रॉम, अभी तूफान के टाइम पर क्या होता है, द विंड्स ब्लोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड, तूफान जब आता है, हवा बहुत तेज चलती है, तो उसकी वजह से ह्यूज वेव्स फॉर्म होती है। दे दीज मे कॉज ट्रमेंडस डिस्ट्रक्शन, इनकी वजह से कोस्ट के आसपास, शोर के आसपास बहुत डिस्ट्रक्शन भी होता है। An earthquake, a volcanic eruption or underwater landslide can shift large amount of ocean water. तो अगर ओशनिक क्रस्ट में, हमने देखा कि ऊपर पानी है लेकिन नीचे क्रस्ट होती है ओशन में भी, उसमें अगर अर्थक्वेक आया है या फिर वल्केनिक इरप्शन हुआ है या फिर लैंडस्लाइड हुई है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में ओशन का वाटर शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से ह्यूज टाइडल वेव्स बनती है, जिन्हें हम कहते हैं सुनामी। दैट मे बी एज हाई एज 15 meter इज फॉर्म्ड, और सुनामी लगभग कितनी ऊंची हो सकती है, 15 मीटर की, 1 meter आप जानते हैं, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वॉज 150 meter हाई, आज तक की जो सबसे ऊंची सुनामी की टाइड को मेजर किया गया है वो कितनी ऊंची थी, 150 meter उसकी हाइट थी। दीज वेव्स ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ मोर दैन 700 km/h, अभी आप अज्यूम कर सकते हैं जो बुलेट ट्रेन है उसकी स्पीड अप्रॉक्स 300 km/h होती होगी, ये आती है 700 km/h की स्पीड से, जितनी स्पीड से एक एरोप्लेन चलता है उससे भी ज़्यादा स्पीड से आएगी। द सुनामी ऑफ 2004 कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया के कोस्टल एरियाज में जो सुनामी आई थी 2004 में, उसने बहुत ज़्यादा डैमेज किया। द इंदिरा पॉइंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, जो इंदिरा पॉइंट था, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था इंडिया का, वो पूरे तरीके से सबमर्ज हो गया था इस सुनामी में। एक और इन्फॉर्मेशन दिया, सुनामी इज अ जापानीज वर्ड, ये जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है हार्बर वेव्स, एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड वेन एवर देर इज सुनामी, क्योंकि जब भी सुनामी आती है हार्बर्स, जो बंदरगाह होते हैं जहाँ पर शिप्स खड़े होते हैं, वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उसी की वजह से इसका नाम हार्बर वेव्स सुनामी रखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है सुनामी, द अर्थ्स पैंडेमोनियम। सुनामी को कहा गया है धरती का पैंडेमोनियम, तांडव। पैंडेमोनियम मतलब कोई चीज़ जो बहुत बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन कॉज करती हो। सो सुनामी और द हार्बर वेव स्ट्रक हैवक इन द इंडियन ओशन ऑन द 26th of December 2004। इस सुनामी की हम बात करने वाले हैं जो 26 दिसंबर 2004 में आया था और जिसने इंडियन ओशन में हैवक क्रिएट किया। द वेव वॉज द रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक दैट हैड इट्स एपी सेंटर क्लोज टू वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा।
इस पूरे को मैप में भी अभी हम देखेंगे। तो हमने देखा सुनामी आता क्यों है, जब ओशनिक क्रस्ट में अर्थक्वेक आया हो या फिर वल्केनिक इरप्शन हुआ हो। तो इस सुनामी का क्या कारण था, क्योंकि अर्थक्वेक आया था सुमात्रा की वेस्टर्न बाउंड्री में और उसका मैग्नीट्यूड कितना था अर्थक्वेक का, 9, जो रिक्टर स्केल पर मेजर किया गया। एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट, अभी इसको समझते हैं, इंडियन प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे गई, ये है कहाँ प्लेट्स, देखिए ये है इंडियन प्लेट और ये है बर्मा प्लेट, ये बाउंड्री आपको दिखाई गई है यहाँ पर। अर्थ की जो क्रस्ट है वो बहुत सारी प्लेट्स में टूटी हुई है और क्योंकि मैग्मा की मूवमेंट होती है नीचे, उसकी वजह से प्लेट्स में भी मूवमेंट होती है, तो ये दोनों प्लेट्स आपस में टकराती है और उसकी वजह से इंडियन प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे खिसक जाती है, नीचे चली जाती है, जिसकी वजह से सडन मूवमेंट होता है सी फ्लोर में और अर्थक्वेक आता है। द ओशन फ्लोर वॉज डिस्प्लेस्ड बाय अबाउट 10 to 20 meters, 10 से 20 मीटर तक ये प्लेट इसके नीचे चली जाएगी, तो उतना ओशन का फ्लोर डिस्प्लेस हो जाएगा एंड टिल्टेड इन द डाउनवर्डली डायरेक्शन। अभी आप अज्यूम कर सकते हैं एक चीज दूसरे के नीचे अगर जा रही है तो वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, थोड़ा झुक जाएगा ऐसे। एंड अ ह्यूज मास ऑफ ओशन वाटर फ्लोड टू फिल इन द गैप, यहाँ पर जो गैप क्रिएट होगा इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से, बहुत सारा पानी इंडियन ओशन से आएगा उस गैप को फिल करने के लिए। दिस मार्क द विड्रॉल ऑफ वाटर मास फ्रॉम द कोस्ट लाइन ऑफ द लैंड मासेज इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये एक्चुअली एक साइन होता है सुनामी आने का। अगर आप कभी किसी बीच पर और आप देखते हैं कि वाटर रिसीड कर रहा है सी का, समुद्र का पानी अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है थोड़ी देर के बाद वो उससे भी ज्यादा फोर्स से और स्पीड से वापस आने वाला है और तब आती है सुनामी। तो हुआ क्या, यहाँ पर हुआ डिस्प्लेसमेंट और वो जो गैप क्रिएट हुआ उसको फिल करने के लिए यहाँ कोस्ट लाइन से पानी गया, अंदर की तरफ जाने लगा। नाउ आफ्टर थ्रस्टिंग ऑफ द इंडियन प्लेट बिलो बर्मा प्लेट, बर्मा प्लेट के नीचे इंडियन प्लेट के थ्रस्ट होने से, धस जाने से, द वाटर मास रश्ड बैक टूवर्ड्स द कोस्ट लाइन, पानी अंदर जाता है, उसके बाद यहाँ पर गैप क्रिएट होता है, इस गैप को फिल करने के लिए फिर से दूसरी जगह से पानी आएगा और ये जो वाटर आएगा ये ट्रैवल करेगा एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 800 km/h, कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट, जो एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट की स्पीड है, एंड कम्प्लीटली वॉश्ड अवे सम ऑफ द आइलैंड्स ऑफ इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन के कुछ आइलैंड्स को बिल्कुल कम्प्लीटली वॉश अवे कर देगा, बिल्कुल खत्म कर देगा, सबमर्ज कर देगा। अभी इसमें होता क्या है, देखो कोस्ट लाइन के पास सी की डेप्थ बहुत कम होती है और जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाते जाएंगे सी और ज़्यादा गहरा होता जाएगा। तो अगर सुनामी के टाइम पर कोई शिप है जो समुद्र के बिल्कुल बीच में है, उसको सुनामी का पता भी नहीं लगेगा, उसके नीचे से सुनामी चली जाएगी। जब ये सुनामी वेव्स जनरेट होती है तो इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है और एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है, ये इस तरीके से चलती है, हाइट कम है यहाँ पर और वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे कोस्टल लाइन के आसपास जाएगी, यहाँ पर हम देख रहे हैं डेप्थ धीरे धीरे कम होती जा रही है और वेव्स क्योंकि अपने साथ बहुत सारा पानी लेकर आई है, तो यहाँ पर आते आते वेवलेंथ इनकी कम हो जाएगी और हाइट इनकी इंक्रीज होने लगेगी, इसीलिए कोस्टल एरियाज में ये बहुत डेंजरस फॉर्म में होती है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दैट मार्क द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, गॉट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड, इस सुनामी के बाद वो पूरे तरीके से सबमर्ज हो गया, डूब गया। एज द वेव मूव फ्रॉम अर्थक्वेक एपी सेंटर फ्रॉम सुमात्रा, जब इन वेव्स ने मूव करना स्टार्ट किया अर्थक्वेक के एपी सेंटर सुमात्रा से टूवर्ड्स द अंडमान आइलैंड्स एंड श्रीलंका, अंडमान आइलैंड्स और श्रीलंका की तरफ ये मूव करने लगी, द वेवलेंथ डिक्रीज्ड विद डिक्रीजिंग डेप्थ ऑफ वाटर, इसको हम समझ चुके हैं कि वेवलेंथ कम होने लगी जैसे जैसे जो डेप्थ थी वाटर की वो कम हो रही थी। द ट्रैवल स्पीड ऑल्सो डिक्लाइन, ट्रैवल स्पीड भी कम हुई, फ्रॉम पहले ये 700 से 900 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रही थी, अभी इनकी स्पीड थी 70 किलोमीटर पर आर। सुनामी वेव ट्रैवल्ड अप टू अ डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट, किलिंग मोर दैन 10,000 पीपल एंड अफेक्टेड मोर दैन लाख ऑफ हाउसेस, लाखों घर इसमें अफेक्टेड हुए, कई हज़ार लोगों की डेथ हो गई। इंडिया में वर्स्ट अफेक्टेड जो कोस्टल एरियाज थे वो थे आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। वाइल द अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस, अर्थक्वेक को हम एडवांस में तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इट इज़ पॉसिबल टू गिव अ 3 hour नोटिस ऑफ पोटेंशियल सुनामी, लेकिन अगर ओशनिक क्रस्ट में कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है, कोई अर्थक्वेक आया है जिससे लगता है कि पोटेंशियल है उसमें सुनामी आ सकती है, तो 3 घंटे पहले एक नोटिस दिया जा सकता है। सच अर्ली वार्निंग सिस्टम आर इन प्लेस अक्रॉस द पैसिफिक ओशन, अभी पैसिफिक ओशन में तो पूरी रिंग्स ऑफ फायर है तो वहाँ पर अर्थक्वेक आते रहते हैं,
ऐसे सिस्टम वहां पर तो एक्टिव थे लेकिन इंडियन ओशन में नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर साइजमिक एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। सुनामी आर रेयर, इंडियन ओशन में सुनामी बहुत रेयर है, कम ही आती है, क्योंकि सिज्मिक एक्टिविटी लेस है पैसिफिक ओशन के कंपैरिजन में। अभी ये पिक्चर्स गिवन है डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय सुनामी ऑन तमिलनाडु कोस्ट। द सुनामी दैट रैवेज्ड द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट इन दिसंबर 2004, दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के कोस्ट को डैमेज कर दिया, तबाह कर दिया, इज द मोस्ट डेवेस्टेटिंग सुनामी इन द लास्ट सेवरल हंड्रेड ईयर्स। ये पिछले कुछ कई सौ सालों की सबसे ज़्यादा डेवेस्टेटिंग सुनामी थी। द लार्ज डैमेज कॉज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी वॉज प्राइमरली द रिजल्ट ऑफ, अभी इतना डैमेज क्यों हुआ लाइफ और प्रॉपर्टी को, इसके कारण थे लैक ऑफ मॉनिटरिंग की कमी थी, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एक्टिवेटेड नहीं थे इंडियन ओशन में, एंड नॉलेज अमंग द कोस्ट ड्वेलर्स ऑफ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के कोस्टल लाइन में जो लोग रहते थे उनमें उनको नॉलेज नहीं थी सुनामी की। द फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामी इज अप्रोचिंग, पहला क्या इंडिकेशन होता है कि सुनामी आने वाली है, इज द रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन से पानी विड्रॉ होने लगता है, कम होने लगता है, समुद्र की तरफ जाने लगता है, फॉलोड बाय डिस्ट्रक्टिव वेव। उसके बाद डिस्ट्रक्टिव वेव्स आती हैं। व्हेन दिस हैपेंड ऑन द कोस्ट, अभी इन कोस्ट पर जब ऐसा हुआ, इंस्टेड ऑफ पीपल गोइंग टू हाई ग्राउंड्स, लोगों को हाई ग्राउंड्स पर चला जाना चाहिए था जैसे उन्होंने वाटर को रिसीड होते हुए देखा, लेकिन इसकी बजाय दे स्टार्टेड असेंबलिंग इन द कोस्ट, वो और कोस्टल एरियाज में असेंबल होने लगे, इकट्ठा होने लगे टू व्यू द मिराकल, इस मिराकल को, जादू को देखने के लिए एज अ कॉन्सिक्वेंस। और इसकी वजह से देर वॉज अ लार्ज कैजुअलिटी ऑफ क्यूरियस ऑनलुकर्स, इतने क्यूरियस सिटी से जो लोग देखने आए थे, बहुत सारी कैजुअलिटीज वहाँ पर हुई व्हेन द जाइगेंटिक वेव स्ट्रक, जब ये सुनामी की इतनी विशाल वेव्स ने स्ट्रक किया कोस्टल एरियाज को। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइड्स। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। ये डेफिनेशन है टाइड की, एक रिदम से जब राइज एंड फॉल होता है ओशन के वाटर में उसे हम टाइड कहते हैं, और ऐसा दिन में दो बार होता है। इट इज़ हाई टाइड, हाई टाइड कब होती है, जब वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर, किनारे पर बहुत ज़्यादा पानी हो, उसके हाईएस्ट लेवल तक पानी भरा रहता है शोर पर। इट इज़ लो टाइड, लो टाइड कब होती है, जब वाटर उसके लोएस्ट लेवल पर होता है, बहुत कम पानी होता है शोर पर, और वो रिसीड करता है फ्रॉम द शोर, किनारे से वो समुद्र में अंदर की तरफ जाने लगता है। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एग्जर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सर्फेस कॉजेज द टाइड्स। अभी टाइड्स आती क्यों है, सन और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है उससे वो वाटर को अपनी तरफ पुल करते हैं, जिससे कि वाटर के लेवल में राइज और फॉल होता है, तब ये टाइड्स आती हैं। द वाटर ऑफ अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स। मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो पानी है मून के पास में वो पुल फील करता है ऊपर की तरफ, एंड कॉजेज हाई टाइड, और तब हाई टाइड आती है। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डे, फुल मून पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन, द सन द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन। सन मून और अर्थ दोनों सेम लाइन में होते हैं, उस टाइम पर टाइड्स हाईएस्ट होती है, क्योंकि दोनों ही एक तरफ पुल कर रहे हैं, सन का और मून का, दोनों का पुल एक ही तरफ है, तो वाटर सबसे ज़्यादा यहाँ पर ऊपर जाता है, तब ये टाइड हाईएस्ट होती है। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स, इन्हें हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स। अभी कॉन्स्टेंटली मूव रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों तरफ इस तरीके से, और अर्थ कर रही है सन के चारों तरफ, सन फिक्स्ड है, और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में, एक पूरा चक्कर लगाने में जो मून है वो अप्रॉक्स 27 टू 28 डेज लेता है। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि वन मंथ में दो बार ऐसा होता होगा, जब या तो जब मून यहाँ पर होता है इस तरीके से घूम के आएगा, तब सन अर्थ और मून तीनों एक लाइन में होते हैं, फिर घूम के जब ये इधर जाएगा आफ्टर अप्रॉक्स 15 डेज। तो इन दोनों केसेस में 15 दिनों के गैप में आती हैं स्प्रिंग टाइड्स। एक तो ये केस हो सकता है जब मून बीच में है, या फिर दूसरा केस जब अर्थ बीच में है। तो इस केस इन्हें हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड, इनको अभी एक बार पिक्चर के थ्रू समझ भी लेंगे। दूसरा देखते हैं, बट व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, लेकिन जब मून यहाँ पर ऊपर या फिर नीचे हो, घूमता हुआ जब इधर आया तो हुई स्प्रिंग टाइड, अब जब यहाँ पर होता है या फिर ऊपर होता है, द ओशन वाटर गेट्स ड्रॉन इन डायगनली ऑपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, रिजल्टिंग इन लो टाइड्स। अभी ये इधर से पुल कर रहा है उसको, वाटर को, मून ऊपर से, तो इनका जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट होता है, और उस टाइम पर होती है लो टाइड्स, इन्हें हम कहते हैं नीप टाइड्स। सो यहाँ पर नीप टाइड होगी, घूमता हुआ सन जब यहाँ पर आएगा 7 दिन के बाद, फिर हाई टाइड होगी स्प्रिंग टाइड, फिर से यहाँ आएगा, फिर से नीप टाइड होगी, फिर यहाँ पर जाएगा घूमता हुआ, फिर से स्प्रिंग टाइड होगी, इस तरीके से साइकिल यहाँ पर चलता रहता है।
देखिए इस तरीके की ये मूवमेंट है, मूव करके जब मून इधर आएगा तीनों एक डायरेक्शन में होंगे तो स्प्रिंग टाइड होगी, जब यहाँ पर आता है डायगनली होते हैं दोनों ऑपोजिट तब नीप टाइड, फिर से रिवॉल्व करता हुआ जाएगा, फिर से तीनों एक लाइन में होंगे सन मून एंड अर्थ, फिर से स्प्रिंग टाइड होगी एंड अगेन जैसे ही ऊपर जाएगा फिर से डायगनली है, अगेन नीप टाइड। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, हाई टाइड्स हेल्प करती है शिप्स को नेविगेट करने में, इनसे इनमें जो वाटर लेवल है क्लोज टू द शोर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है किनारे के पास में, ये शिप्स को भी हेल्प करती है हार्बर तक आने में इजीली। द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, फिशिंग में भी हेल्प करती है हाई टाइड्स, मैनी मोर फिश केम क्लोज, जब पानी भरेगा शोर के आसपास तो बहुत सारी पानी के साथ फिश भी आएगी जिससे कि फिशरमैन को एक अच्छा कैच मिल जाता है। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बींग यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस, कई जगहों पर ये जो राइज एंड फॉल है वाटर में इसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी। नेक्स्ट टॉपिक इज ओशन करंट्स। ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सर्फेस इन डेफिनेट डायरेक्शन, ये डेफिनेशन है। ओशन करंट्स वाटर की वो स्ट्रीम्स हैं जो लगातार फ्लो करती रहती है ओशन के सर्फेस के ऊपर और इनकी एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है। द ओशन करंट्स मे बी वार्म और कोल्ड, ओशन करंट्स दो टाइप के होते हैं, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट, ये पिक्चर में आपको दिखाए गए हैं, इनको रीड करेंगे अभी। जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर, इक्वेटर पर सनरेज क्योंकि सीधी आती है, गर्मी वहाँ पर ज़्यादा होती है तो वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं वार्म ओशन करंट्स और ये मूव करते हैं पोल्स की तरफ, यहाँ से ओरिजिनेट होंगे इक्वेटर के पास से, ये देखिए, और ये ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ पोल्स की तरफ। एंड जो कोल्ड करंट्स हैं कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हाई ऑल्टीट्यूड्स, वो हाई ऑल्टीट्यूड से पोलर रीजन से पानी लेकर आएंगे क्योंकि वहाँ पर बर्फ जमी रहती है, पानी ठंडा होता है और ये ट्रॉपिकल या फिर लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ वाटर को लेकर आते हैं। ये जो ब्लू से दिखाए गए हैं ये है कोल्ड करंट्स। द लैब्राडोर ओशन करंट इज कोल्ड करंट वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट, ये दोनों नाम आपको याद भी होने चाहिए, एटलीस्ट एक वार्म और कोल्ड करंट का नाम पता हो। ये लैब्राडोर करंट है जो एक कोल्ड करंट है और ये है गल्फ स्ट्रीम, ये एक वार्म करंट है। द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया, उस एरिया का टेम्परेचर कैसा होगा वो वहाँ का करंट इन्फ्लुएंस करता है। वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर, वार्म करंट जहाँ से फ्लो करेगा वहाँ पर वार्म टेम्परेचर होगा ओवर द लैंड सर्फेस। द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं वो वर्ल्ड का सबसे अच्छा फिशिंग ग्राउंड होता है। सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल्स, अब देखते हैं यहाँ पर कौन से दो करंट मिल रहे हैं, जापान, ये जापान है, तो देखिए ये दो करंट्स हैं ओरेशियो, ये कोल्ड करंट है पोलर रीजन से आया नीचे की तरफ, और ये दूसरा करंट है क्यूरोशियो, तो ये दोनों यहाँ पर क्योंकि मिलते हैं तो सबसे अच्छा फिशिंग ग्राउंड यहाँ पर है। सिमिलरली यहाँ पर कौन से दो करंट मिल रहे हैं, लैब्राडोर एंड गल्फ स्ट्रीम। द एरियाज वेयर अ वार्म एंड कोल्ड करंट मीट, वो एरियाज जहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर, वहाँ का वेदर फॉगी रहता है, कोहरा रहता है थोड़ा सा, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन, सो शिप्स को नेविगेट करने के लिए ये एरिया अच्छा नहीं है, शिप्स डिफिकल्टी फील करते हैं नेविगेशन में। ओके सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है, करंट्स के बारे में नाइन्थ क्लास में और डिटेल में हम देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।